दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएससी यानी कि डीएलएड 2023 का यहां पर रिजल्ट दे दिया गया है, उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने मोबाइल से बस एक ही क्लिक में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से डीएलईडी सेशन 2022 और 2024 फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लगातार इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम गूगल क्रोम ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में चले जाना है। सर्च बॉक्स में जाने के बाद आपको सेकेंडरी बिहार बोर्ड लिख करके सर्च कर लेना है। कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक पोर्टल आ जाएगा secondarybiharboardonline.com, आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहां पर जो पहला वेबसाइट आएगा बीए को इस लिंक पर क्लिक कर देना, और जैसे क्लिक करते इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है और इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लिंक में अब आपको यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो मिलेगा रिजल्ट डीएलईडी सेशन 2022-23 यहाँ पर आपको दोस्तों मिलेगा। उसके बाद सेशन यहाँ पर देख सकते हैं 21-23 सेकेंड ईयर का भी मिल जाएगा। अब आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना, और जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, और ओपन होने के बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 सेशन 2022 और 2024 फर्स्ट ईयर, और उसके नीचे आपको सेकेंड ईयर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशन 2022 और 2024 वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको यहाँ पर इस कॉलम में आपको अपना रोल कोड डालना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके नीचे आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। तो आपका जो भी रोल नंबर रोल कोड है, सबसे पहले आपको अपना रोल कोड यहाँ पर इनपुट कर देना है। रोल कोड डालने के बाद दोस्तों नीचे वाले कॉलम में आपको अपना रोल नंबर डालना है, तो आपका जो भी रोल नंबर है वो सही सही आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हम अपना रोल कोड और रोल नंबर यहां पर फिल कर लिए। फिल करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, और स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे में देख सकते हैं सर्च। अब आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मार्कशीट डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे ऊपर दिया हुआ, और आपका रोल कोड, और उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया हुआ, और यहाँ कैंडिडेट नेम भी शो कर जाएगा। कैंडिडेट नेम शो करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम शो कर जाएंगे। अब आपको इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ, तो इस मार्क को आपको यहाँ पर कंटिन्यू आपको अपने अनुसार से देख लेना है, और सही सही आपको देख लेना है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना मार्क है। इस तरीका से डीएलएड 2023 का मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो से कुछ भी सीख मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कॉमेंट करके बताएँ, ताकि मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।